गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए स्पेशल है जो कि फर्स्ट पोस्ट लेती हैं गर्ल्स आफ्टर एक्सटेंसो हेयर स्मूथनिंग कह लें आप, उसके बाद कैराटिन कह लें, रिबॉन्डिंग कह लें, जिससे हमारे बाल जो है स्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट वॉश करना होता है। ठीक है, आपने उसके बाद ये जो ऐसा ट्रीटमेंट होता है, इससे जो हमारे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होने का खतरा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हीटिंग मिलती है हमारे बालों को, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है जो कि रीज़नेबल प्राइस में तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा महंगा ये जो है, बहुत से लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत से नहीं कर सकते, और जो मतलब थोड़े रीज़नेबल प्राइस में चाह रहे हैं वो भी मैं आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर करूँगी फर्स्ट वॉश का। उसके बाद भी आप जो चीज़ें यूज़ करेंगे, ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ये क्यूने केयर, क्यूने केयर के हैं, ये जो है कैराटिन स्मूथ शैम्पू है। मैं आपको इन चारों चीज़ों का यूज़ बताऊंगी आपने कैसे यूज़ करना है। अगर आप यही ट्रीटमेंट पार्लर में जाके लेंगे तो आपको ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो आप ये चीज़ें एक बार में ही लें। ये जो है चार चीज़ें आपको तकरीबन 7000 तक मिल जाएगी। ठीक है, ये चारों जो है तकरीबन किसी के प्राइस 3000 है, किसी की 2 है, किसी की 18 है, इस तरह ये आपको मिल जाएगी। ईजिली ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि पास में जो करीबी अच्छा स्टोर है वहाँ पर जाके पता करिएगा। ठीक है, जो क्यूने है पाकिस्तान का जो है नंबर वन ब्रांड पे जा रहा है। क्यूने के कलर्स भी बड़े अच्छे होते हैं, उसके बाद इनका इनकी जो है हर चीज़ अच्छी होती है तकरीबन। तो मैंने ये चीज़ें यूज़ किया, मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। आफ्टर रिबॉर्निंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आपने अपने बालों की केयर करनी है, क्योंकि आपके बाल हो जाते हैं वीक। तो आपने करना क्या है, जब आप फर्स्ट वॉश घर में ही करेंगी तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने करना है शैम्पू, क्यूने का मेरे पास है शैम्पू, तो ये सारे प्रोडक्ट मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप भी यही यूज़ करिएगा अगर कोई अफोर्ड कर सकता है 7000 तक। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपका निकल जाएगा, आपने अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है घर में ही। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं जो है आपको बता रही हूँ, इस तरीके से मैंने करवाया है और बहुत से लोगों को किया भी है। ठीक है, सबसे पहले ये जो शैम्पू है क्यूने का, आपने ये कैराटिन शैम्पू लेना है। ठीक है, 300 ml प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस भी इसकी जो है 2000 तक ही है। ठीक है, आपने इससे अच्छे तरीके से बालों को वॉश करना है, जो तकरीबन जब हम अपने बालों को एक्सटेंसो करवाते हैं तो जो सारा प्रोडक्ट होता है, जो मटेरियल होता है हमारे बालों में, 4 से 5 दिन तक हम उसको रखते हैं, उसके बाद हमने करना होता है फर्स्ट वॉश। तो कोई भी केमिकल वाली चीज़ अपने बालों में नहीं रहने दें, अच्छे से इसको करें आप वॉश इस शैम्पू के साथ। उसके बाद बारी आ जाती है ये मास्क की। मास्क अंदर से मैं बता दूँ, मैंने काफ़ी हद तक यूज़ किया और काफ़ी हद से मैं बता दूँ आपको कि ये होता ही इतनी क्वांटिटी में है, इतनी कम क्वांटिटी में होता है कि ये देखें तकरीबन 1 से 2 बार इसको यूज़ किया होगा और ये इतना रह गया है। ठीक है, मास्क आपने लेना है और मास्क के साथ आपने सेम क्वांटिटी में ले लेना है ये क्यूने का, यह डेली यूज़ कंडीशनर है। ठीक है, 250 ml है, प्राइस इसके राउंड बाउंड होगी 15 से ऊपर है, सारे प्रोडक्ट 15 से ऊपर है। ठीक है, और इसके बाद आपने सेम क्वांटिटी में ये मास्क ले लेना है, और उसके बाद आपने ये जो है कंडीशनर एक कटोरी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, और आपने इसको जो है इतनी सी रूट्स छोड़ के ना, इतनी सी देख रहे हैं ना आप, इतनी सी रूट्स को छोड़ के अपने पूरे बालों पे इसको अप्लाई करें। तकरीबन आप इसको 40 से 45 मिनट तक अपने बालों में रहने दें, 1 घंटा भी रहने दें, जितना टाइम ज़्यादा लेंगे आपको उतना ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपने अच्छे से अपने बालों को वॉश कर लेना है विदाउट शैम्पू, आप शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे उस पर। ठीक है, और उसके बाद आपने बालों को कर लेना है खुश्क, और खुश्क करने के बाद ये है क्यूने का सीरम है, ये हमारी जो है फ्रीजी बालों को मतलब बहुत ही अच्छा स्मूथ कर देता है। आपने आम रूटीन में भी ये चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप केयर करेंगे तो आपके जो बाल हैं स्मूथ रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। उसके बाद आपने ये जो क्यूने का है ये सीरम है ये ऐड कर लेना है। यार पर्सनली इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इन तीनों चीज़ों से मुझे ये बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि एक हमने क्यूने के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, तो मैंने आपको यूजेज बताया आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ये सीरम बहुत बहुत बेस्ट है, हमारे बाल इतने शाइनी हो जाते हैं, इसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने इसको लेके अपने बालों पे अप्लाई करना है। 1 से 2 ड्रॉप इसके लें और अपने पूरे बालों में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आप इसको लेंगे, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे इसको मिले हैं। मैं बहुत ही इसको मैं प्रेफर करूँगी जिनके बाल फ्रीजिंग आम रूटीन पे भी इसको यूज़ करें। और ये हो गया हमारा फर्स्ट वॉश, हमने फर्स्ट वॉश कैसे करना है, और उसके बाद हम मैं आपको बताती हूँ आपने वीकली किस तरह अपने बालों का ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले ये जो मास्क है आपने इसको वीक में 1 से 2 बार अप्लाई करना है। इतना ज़्यादा इतना मतलब कम मास्क है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो यार इसको लें और करें, अच्छा है। नो डाउट पैसे लग रहे हैं तो
काम भी अच्छा करेगा, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। आपने इसको लगाना है अपने जो है बालों पे, जैसे मैंने बताया आप थोड़ी सी इतनी सी रूट छोड़ के इसको लगाएं, 1-1.5 घंटा रहने दें, और उसके बाद आपने जो है चूल्हे का काम नहीं करना इसको लगा के, मतलब बाल खुले छोड़ के आप आग के आगे नहीं जाएंगे, कुकिंग वगैरह नहीं करेंगे। 1-1.5 घंटे के बाद आपने वॉश करें, अपने पहले शैम्पू करें और फिर आपने ये जो है कंडीशनर करना है, आप इसको सेपरेटली करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है बाल जब ड्राई हो जाएं उसके बाद आपने ये जो सीरम है वो अप्लाई कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट वॉश भी बता दिया है, वीकली भी बता दी है आपको। अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते मास्क, जो है आपने करना क्या है, आप दही ले लें, उसके अंदर आप रोगन बादाम ऐड कर लें, 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर लें। आप घर में भी बहुत अच्छी चीज़ें से आप जो अपना फर्स्ट वॉश कर सकती हैं, फर्स्ट वॉश कर सकती हैं, नो डाउट। उसके बाद आप उसको वीकली रूटीन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट वॉश के लिए आपने सबसे पहले करना है शैम्पू क्यूने का, ठीक है। उसके बाद आपने सेम क्वान्टिटी में ये जो कंडीशनर है और ये जो मास्क है इसको कटोरी में मिक्स करके अपने बालों पर इतनी इतनी जो ऊपर से हैं छोड़ के रूट्स जो हैं उसको पूरा अप्लाई करना है, ठीक है। 1-1.5 घंटे के बाद आप इसको वॉश कर लें, उसके बाद ड्राई हो जाए तो आप ये सीरम यूज करें। और बात कर लीजिए अगर वीकली की, वीकली हम कैसे अपने जो है केयर कर सकते हैं, तो आपने वीक में 2 बार, 1 से 2 बार ये जो है मास्क है इसको अप्लाई करना है, उसके बाद इससे शैम्पू से वॉश कर लें, और उसके बाद आपने करना है कंडीशनर, और देन जो है लास्ट स्टेप है उसमें हमने करना है ये जो है सीरम, हेयर सीरम है। तो इधर से उधर बातें हो जाती हैं क्योंकि इतना मुझे बोलना पड़ता है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसको वीडियो अच्छी लगी आप प्लीज़ मेरी वीडियो को कर दें लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं तो DM करिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।